नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी रियल किचन में फिर से आपका स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आलू और चटपटी चने की सब्जी कैसे बनाई जाती है। हम इनका नाम देसी चनों के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि देसी चने और उबले हुए आलू की सब्जी कैसे बनाई जाती है। ये चने हमने 2-3 घंटे भिगो लिए थे। भिगोने के बाद हमने इन्हें बॉइल कर दिया। आलू को भी इसी तरह हमने बॉइल कर रखा है। ये हमने बॉइल किए हुए आलू ले रखे हैं। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं हमें आलू और चने की सब्जी के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। जैसा आलू बॉईल किए हुए चने, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी, टमाटर प्यूरी, 2 टमाटर हमने मिक्सी में ब्लेंड कर लिए हैं, स्वाद अनुसार नमक, और तलने के लिए घी। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हो, लेकिन मैंने घी लिया हुआ है। सबसे पहले हम अपने कढ़ाई के अंदर घी डाल लेते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हो, रिफाइंड भी ले सकते हो। हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम अपने घी के अंदर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। यह सब्जी हम बिना प्याज के बना रहे हैं। जब तक अच्छे से ब्राउन कलर के नहीं हो जाते तब तक हम थोड़ा हिला देते हैं। देखिएगा, हमारा जीरा ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम अपने जीरे के अंदर हम प्यूरी डाल देंगे। थोड़ी सी अच्छे से हिला देंगे। जब तक हमारी प्यूरी पक रही है तब तक हम अपने आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। देखिएगा, हमारी प्यूरी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसके अंदर आवश्यकता अनुसार हल्दी डाल देंगे। देखिएगा, हमने 1 चम्मच हल्दी ली है। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। हमने 2 गिलास पानी ले रखा है। हमने अपनी सब्जी के अंदर पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिएगा, हमारी सब्जी का अच्छा कलर आया हुआ है। और अब हम इसके अंदर उबले हुए चने भी साथ में डाल देते हैं। अब हम इसे बॉईल होने के लिए लो फ्लेम पर रख देते हैं। हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। देखिएगा, हमारी सब्जी का कितना प्यारा कलर आया हुआ है। अब हम इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आप मिर्ची डालना चाहो तो डाल सकते हो। मेरे बच्चे खाते नहीं, इसलिए मैंने मिर्ची नहीं डाली है। आप चाहो तो आप धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन हमने धनिया नहीं डाला है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।